ईडी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला, सीबीआई वाले कह रहे हैं शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला। अरे शराब घोटाला तो खुल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है। इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कालर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो, शराब घोटाला उन्होंने किया है। जब मैं जेल से बाहर आया तो पहले दिन तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब साथियों से बात की पूरी जानकारी मिली और पता चला कि कितनी बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं, गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, दसवीं का बच्चा अगर सुनेगा, दसवीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को, 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया, कितनी बार आया, जोर से बोलिए, कितनी बार, 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों के पास अगर वो फोटो हो मंगुंटा रेड्डी की तो मुझे जरूर दे दी जाए। साथियों और दोस्तों, 16 एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद, इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं मंगुंटा रेड्डी की। मंगुंटा रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है, कहते केजरीवाल से क्या मिले थे आप, उसने कहा हां मिले थे। क्यों मिले थे, अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए, 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे, दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, तीसरी बार कहा नाम ले,
उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले, चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले, पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे, सात छठवीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे, छह बार नाम लिया, पांच महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने सातवीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया, सातवीं बार नाम ले लिया, कब लिया, 16 जुलाई 2023 को, 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं है, जमानत पे छूटो, घर जाओ। समझ गए, समझ गए मुकदमा, समझ गए मुकदमा, दसवीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है। 16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया, मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया, 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम दो बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया, 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है वो कागज ईडी छुपाती है, भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश यह है साथियों। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा हुजूर माई बाप हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए। तो कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए, उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा यह मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा, 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक एक दो नहीं 12 बयान उसके लिए गए, 12 बयान, 10 बयान में उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा अब तुम्हारी जमानत करा देंगे, उसने कहा कैसे होगी, बोले कह देना अदालत में कमर दर्द हो रही है जमानत हो जाएगी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है, इस पीड़ा की घड़ी में अपने पति का उनको इंतजार है, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन कमर दर्द के नाम पर मुख्य घोटालेबाज किंग पिन को जमानत मिल जाती है। एक ईमानदार आदमी जिसकी बेगुनाही के सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उसकी जमानत का विरोध करने के लिए ईडी एड़ी चोटी लगा देती है अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए, लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द के नाम पे जमानत मिल जाती है। और वो शरद रेड्डी कौन है, 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेशगी पहुंचा दी उसने, कितने की, कितने की, कितने की, पीछे तक बोलिए जिससे याद रहे, मीडिया वाले भी सुने, कितने की पेशगी पहुंची, जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे, 5 करोड़।
बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। बैठ जाओ। पांच करोड़ रुपए दिया और उस शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी भाजपाइयों को, 55 करोड़ की। ईडी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। सीबीआई वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे शराब घोटाला तो खुल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है। किया है कि नहीं किया बताओ, किया है कि नहीं किया, किया है ना शराब घोटाला, शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो, शराब घोटाला उन्होंने किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं आतिशी जी, शराब घोटाला, खुला हुआ शराब घोटाला, भाजपा के नाम का शराब घोटाला, उसमें एलजी साहब चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? मैं अपने सभी मंत्रियों से, विधायकों से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी ट्रेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए।